अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम बैक टू एजस्टी व्लॉग्स। आज के व्लॉग में है शॉपिंग, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि ईद आ रही है, तो इसी के साथ इसकी जो है ना हम शॉपिंग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो जी अब हम जा रहे हैं इम्पोरियम। फ़िलहाल मैं आई हूँ अपनी आंटी की तरफ, क्योंकि उन्होंने भी साथ जाना था, तो हम कर रहे हैं उनका वेट। ये बैठी है मेरी अम्मा। ओके जी, तो जैसे जैसे जाते जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ अपडेट करती रहूँगी। हमने जो है वो यही सोचा है कि आज ही एक ही दिन में जो है ना हमने अपनी शॉपिंग को करना है कंप्लीट। ये है हमारा टारगेट। जो स्ट्रॉलर्स वगैरह या फिर उनके साथ कोई मैचिंग ट्राउज़र्स इस तरह की कोई चीज़ रह जाएगी, अव्वल तो मैंने सूट ही लेने हैं, तो वो बाद में कर लेंगे। लेकिन बाकी जो शॉपिंग है वो तकरीबन आज कम्प्लीट कर देनी है, एक्सेप्ट ज्वेलरी शूज़। और पता नहीं क्या कुछ रह जाएगा, अभी कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। तो और वो देखे दोनों लगी हुई हैं आपस में, मतलब कोई पता वत्ता ही नहीं कि भाई अब कि बच्ची पीछे रह गई है। कोई नहीं, जाने दें इनको भी। अब देख नहीं, अम्मा लगी हुई हैं वीडियोस बनाने और आंटी भी आ चुकी हैं और हम पहुंच भी चुके हैं और अब हम जा रहे हैं। एक तो मेरी जान को सुकून नहीं है और मैं जो है ना बस भाग ही जाती हूँ। इन खैर आ गया जो रशा, तो आज मैं नहीं जा सकती, अम्मा लोगों ने मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। देखे हैं कितना ही खूबसूरत डिकोर हुआ हुआ है रमज़ान का, और इसी के साथ साथ रश इस टाइम कम है क्योंकि हम आए हैं सुबह के टाइम। लाइक इस टाइम जो हो रहे हैं तकरीबन 12:30, तो अभी जो है ना इतना ख़ास रश नहीं है, लेकिन फिर भी इतना रश है कि सुकून से शॉपिंग की जा सकती है। और इसी के साथ जैसे शाम होती जाती है तो रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये डिकोर तो बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है और इसी के साथ अब जो है ना डिकोर को भी देखते जाते हैं और साथ साथ जो है हम अपनी शॉपिंग भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हम लोगों ने घर भी वापस आना है। फिर जो है अफ्तारी का टाइम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो अब हम जा रहे हैं स्पायर, अब देखते हैं यहाँ की ईद कलेक्शन किस तरह की आई है। उम्मीद करती हूँ कि ना कुछ अच्छा लग जाएगा। एक तो मुझे इतनी जल्दी अच्छा नहीं लगता, मुझे हर लिहाज से देखना होता है कि बहुत हैवी ना हो, बहुत ज़्यादा सिंपल भी ना हो, थोड़ा स्टाइलिश हो, डिज़ाइनिंग अच्छी हो। तो जी अब चलते हैं सफायर में। यहाँ पर कौन सा हम गए थे सफायर, बट सफायर में मुझे कोई भी कलेक्शन अच्छी नहीं लगी। लाइक जिस तरह की मेरी डिमांड है कि थोड़ी स्टाइलिश हो, डिज़ाइनिंग हो, तो एम्ब्रॉयडर्ड भी हो, तो बहुत या तो बहुत एम्ब्रॉयडर्ड थे या तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल थे। ना फीस नहीं है सिंपल बिल्कुल, और मुझे अपने लिए यहाँ से भी कुछ भी पसंद नहीं आया। और जो है ना अम्मा ने बाबा के लिए लिया है, बट मुझे अपने लिए या मम्मा को अपने लिए भी कुछ पसंद नहीं आया यहाँ से। तो अब इसके बाद हम मूव करेंगे लाइम लाइट या फिर अर्थनेक, तो चलते हैं। अब्बा के लिए तो हो गई है शॉपिंग कंप्लीट। तो जी अब मुझे तो लगता है इस बार ईद में हमने कुछ लेना ही नहीं है, क्योंकि कुछ पसंद आ ही नहीं रहा। पता नहीं क्या बात है, क्या नहीं, क्यों नहीं कुछ समझ आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब जा रहे हैं हम लाइम लाइट या फिर एथनिक। ये तो नहीं हो रहा आंटी, ये तो बिल्कुल ही नहीं मैच हो रहा। फाइनली जो है ना मुझे यहाँ से सूट एक पसंद आ गया अपने लिए और एक अम्मा के लिए। इसी के साथ जो है बाकी अब हम देख रहे हैं कि कोई और भी हमें अच्छा लग जाए, लेकिन हम सोच रहे हैं कि यहाँ से बस करें और अब हम चलते हैं एथनिक। तो साथ साथ मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, एथनिक से भी ले लिए हैं और लाइन लाइट से भी ले लिए हैं, और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब जा रहे हैं हम घर। हमें इस समय पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो शॉपिंग करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है और जो हम लोगों ने तकरीबन कर लिया है पूरा अपना। अब जो है छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, तो वो हम लोग जो है इंशाल्लाह कुछ दिनों में इनको कंप्लीट कर लेंगे, और ताकि हमने ईद की अपनी शॉपिंग को करना है कंप्लीट, क्योंकि हम लोगों ने इस बार ईद अपने पुराने शहर में करनी है, जिसकी वजह से हम लोगों ने जल्दी यहाँ से चले जाना है। तो इसीलिए जो है ना हम लोगों को जल्दी थी कि साथ साथ जो है ना अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लें, ताकि हमें जाते हुए कोई मुश्किल
फेस ना करनी पड़े और वहाँ जाकर कुछ। अब हम जा रहे हैं वापस, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या करूँ कैसे कहूँ, क्योंकि मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो बस अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। अब वैसे मैं आप लोगों को एक आपस की बात बताऊँ, मुझे भूल गया है कि मैंने गाड़ी कहाँ पार्क की थी। इतना याद है कि सी वाले सेक्शन में की थी, बट मुझे ये याद नहीं है कि मैंने C3 में की थी, C4 में की थी या C5 में की थी। अब देखते हैं क्या होता है, इनको नहीं पता, ये आराम से चल रही है जैसे मुझे पता है ना कि मैंने गाड़ी पार्क कहाँ की, आज मैं भूल गई हूँ। वरना हमेशा होता है कि मैं पिक्चर ले लेती हूँ, पर आज मेरे जहन में नहीं आया और मैंने पिक्चर नहीं ली और मुझे याद भी नहीं कि मैंने गाड़ी कहाँ पार्क की है। चलें जी अब ढूंढते हैं गाड़ी में, अब आ चुके हैं पार्किंग एरिया में। फाइनली गाड़ी जो है मुझे मिल गई, ये रही, और इसी के साथ मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब जो है ना मैं बस चीज़ें रखूँ और शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट, अब करते हैं इसको बंद, अब चलते हैं ड्राइविंग की तरफ। ओके जी, अब मैं कर चुकी हूँ अफ्तारी और इसके साथ जो है अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सब अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।